A very good morning dear aspirants, Byju's के government exams prep channel में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Friends, आज इस lecture में हम चर्चा करेंगे this day in history segment की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास facts और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली government परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this, towards the end of the lecture, we will also share some very important practice questions with you. ये सभी questions आज के तमाम historical facts पे based हैं। इसीलिए आप अवश्य ही आज के facts को ध्यान से समझते हुए इन practice questions के उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए और इनके answers आप हमारे साथ share कीजिए लगातार in the comment section, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी exams में बहुत help मिलेगी। तो आइए friends, अब शुरू करते हैं 20th May अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी important ऐतिहासिक facts की। The first fact of today is associated with 1498, when Portuguese explorer Vasco da Gama arrived in India, अर्थात पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। On 20th May 1498, 2 years after he set a sail from Lisbon, which is the capital of Portugal country, Vasco da Gama arrived on the western सी कोस्ट ऑफ इंडिया एट कोझिकोड अर्थात कैलिकट, जो कि केरला राज्य में स्थित है। यह पहली बार था जब एक यूरोपियन भारत पहुंचा था सी रूट के द्वारा, और इसी कारण वास्को डी गामा इज आल्सो क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। भारत के लिए एक डायरेक्ट व्यापार मार्ग का अर्थ था अधिक लाभ और बेटर एक्सेस टू द रिच रिसोर्सेज ऑफ इंडियन लैंड। यह पोर्चुगल के लिए एक लाभदायक स्पाइस ट्रेड पर मोनोपोली स्थापित करने की भी विशेष अपॉर्चुनिटी थी, एंड इट कुड हैव मेड देम द लीडिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम। इसी कारण पुर्तगाली राजा मैनुअल वन ने भारत के लिए इस वॉयेज को सैंक्शन किया, एंड ही अपॉइंटेड वास्को डी गामा एज द एक्सपेडिशन्स लीडर एंड एज द कैप्टन ऑफ द अर्माडा। द एक्सपेडिशन कंप्राइज्ड ऑफ 4 ships एंड 170 मेन, और जो शिप वास्को डी गामा के अंडर थी, इनके द्वारा कैप्टन करी गई थी, उसका नाम था साओ गैब्रियल। वास्को डी गामा रीच्ड कपड, which was near Kozhikode and which was then a part of the kingdom of Zamorin, अर्थात समुथिरी राजा of Calicut। महाराजा Zamorin ने वास्को डी गामा को एक भव्य स्वागत दिया और ट्रेड करने के लिए कुछ परमिट्स भी दी, परंतु शीघ्र ही दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए, because वास्को डी गामा refused to pay the routine custom duties which were important to carry out trade. Vasco da Gama returned to Lisbon in Portugal on 10th July 1499. Apne saath he carried a cargo which was valued at 60 times more the cost of the entire expedition. Aur isi karan unhe wahan ke raja se ek bahut grand welcome mila. He was considered a hero and given the title of Dome by the King of Portugal. Aur isi prakar inhone sthapit kiya the foundation of Portuguese trade with India, and soon from a trading partner Portugal went on to colonize parts of India. Bharat mein sabse badi Portugali colony thi Goa, जो कि पोर्चुगीज रूल के अंडर तकरीबन 450 साल तक रहा, स्टार्टिंग इन 1505 एंड एंडिंग ओनली इन 1961, वंस द इंडियन आर्मी लिबरेटेड द स्टेट एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। वास्को डी गामा अगेन रिटर्न्ड टू इंडिया फॉर अ सेकेंड टाइम इन 1501 एडी। दिस टाइम ही सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नूर। चाहे पुर्तगालियों को उपमहाद्वीप में अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा बाद में सप्रेस कर दिया गया था,
परंतु भारत के लिए समुद्री मार्ग की इस खोज को अक्सर एज ऑफ डिस्कवरी के रूप में याद किया जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का। ये संबंधित है 1900 अर्थात 1900 से, जब जाने माने इंडियन पोएट सुमित्रा नंदन पंत वाज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आज के ही दिन हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत एक भारतीय कवि थे और हिंदी भाषा के वन ऑफ द मोस्ट प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। He was one of the most celebrated 20th century Indian poets of the Hindi language. वह अपनी कविताओं में रोमांटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, जो प्रकृति, लोगों और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी से प्रेरित था। He is considered as one of the major poets of छायावादी school of Hindi literature. He mostly wrote in Sanskritized version of Hindi. वह सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर की लेखनी और कविताओं से बेहद प्रभावित थे। He composed Pallav in 1926 and this collection established him as a literary giant of the Hindi Renaissance that had already begun with the works of famous Hindi writer and poet Jaishankar Prasad. बाद में वह कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी की रचनाओं और आदर्शों से भी डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए और इसका असर इनके विभिन्न कामों में साफ साफ झलकता था। सम ऑफ हिज वेरी फेमस बुक्स आर चिदंबरा, ग्राम्या, तारापथ, काला और बुधा चंद। वर्ष 1960 में इन्हें साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, which is given by India's Academy of Letters for his book Kala aur Budha Chand. Aur varsh 1969 mein, he became the first Hindi poet to receive the Gyanpeeth Award. Aur ab iske saath, aaiye chal ke dekhte hain agla fact aaj ka kaun sa hai. To ye sambandhit hai 1932, arthaat 1932 varsh se, jab Indian freedom fighter Bipin Chandra Pal had passed away, arthaat Bharatiya Swatantrata Senani Bipin Chandra Pal ka nidhan ho gaya tha. Bipin Chandra Pal ek Bharatiya Rashtravadi, lekhak, ओरेटर, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनका संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से था। अलोंग विद लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक, ही बिलोंग्ड टू द फेमस लाल बाल पाल ट्रायो दैट वाज एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म। बिपिन चंद्र पाल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया and he was a major leader of the Indian National Congress as well. उन्होंने ब्रिटिश सामानों, दुकानों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करने, उन्हें जलाने जैसी क्रांतिकारी नीतियों को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश कारखानों में हड़ताल और तालाबंदी जैसी टैक्टिक्स को भी अपनाया। 1887 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में बिपिन चंद्र पाल ने आर्म्स एक्ट को रिपील करने के लिए एक मजबूत दलील दी, जो कि पूरी तरह से भेदभावपूर्ण थी। He was also a well-known journalist जिन्होंने अपनी लेखनी का प्रयोग स्वराज के आइडियल को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया। He spread the message of patriotism and nationalism through his writings. Aurobindo Ghosh aur Bipin Chandra Pal ko aksar chief exponent of new national movement kaha jata hai, a movement which revolved around ideals of Purna Swaraj, Swadeshi, boycott and national education. He edited many journals like the Democrat, The Independent. इन्होंने कई न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स की भी शुरुआत करी, जैसे कि परिदर्शक, बंदे मातरम, न्यू इंडिया एंड स्वराज। इनफैक्ट इनके द्वारा लिखी गई कुछ बेहद प्रसिद्ध किताबें हैं द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, द न्यू इकोनॉमिक मेनेस टू इंडिया, स्वदेशी एंड स्वराज और
द सोल ऑफ इंडिया। वह 1886 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया और असहयोग आंदोलन में भी भूमिका निभाई थी। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के खिलाफ भी इन्होंने एक बड़े स्तर पे आंदोलन किया। और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, विच इज एसोसिएटेड विद 1957 व्हेन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर तंगुतुरी प्रकाशम हैड पास्ड अवे, अर्थात भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी तंगुतुरी प्रकाशम का निधन हो गया था। तंगुतुरी प्रकाशम एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला था। आफ्टर दिस ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द न्यू आंध्रा स्टेट विच एट दैट टाइम वॉज क्रिएटेड बाय पार्टीशन ऑफ मद्रास स्टेट अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन्स, अर्थात भाषाई आधार पे जब पहली बार दोनों राज्यों में विभाजन हुआ था। ये हुआ था वर्ष 1953 में। उस समय इन्हें अनडिस्प्यूटेडली चीफ मिनिस्टर ऑफ द न्यू आंध्र स्टेट चुना गया। ही वॉज ऑल्सो नोन एज आंध्र केसरी, अर्थात लायन ऑफ आंध्र। वह लॉ का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1904 में इंग्लैंड गए थे एंड इन इंग्लैंड ही ज्वाइंड द रॉयल इंडिया सोसाइटी एंड वर्कड फॉर द इलेक्शन ऑफ दादा भाई नरोजी टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सेशंस अटेंड करने शुरू किए ऑन अ रेगुलर बेसिस राइट आफ्टर द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 और सत्याग्रह प्लेज भी साइन करी थी इन 1921। उन्होंने कानून की प्रैक्टिस को त्याग करके पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का फैसला किया एंड दिस ही डिड बाय राइटिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स फॉर वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। इन्होंने स्वराज्य अर्थात सेल्फ रूल नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी और उसका संपादन भी किया। This paper was later published in many languages simultaneously, such as English, Telugu and Tamil. इसके साथ उन्होंने एक राष्ट्र विद्यालय और खादी उत्पान केंद्र भी चलाया था and in 1922, during the non-cooperation movement, he had organized a demonstration by 30,000 Congress volunteers at Guntur in Andhra Pradesh. In 1946, After the Congress victory in elections in Madras Presidency, यह Madras Presidency के हेड बने on 30th April 1946 और पहली October 1953 को he was then elected as the Chief Minister of the New Andhra State. इनके द्वारा लिखी गई इनकी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी का नाम है ना जीवन था यात्रा, जिसका इंग्लिश में अर्थ है माय लाइफ्स जर्नी। और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, अर्थात भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शंस है ए फर्डिनेंड मैगेलन, बी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी वास्को डी गामा या डी मार्को पोलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड वास्को डी गामा रीच इंडिया, अर्थात वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। ऑप्शंस है ए 1490, बी 1495, सी 1498 एंड डी 1499। द थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट हिंदी पोएट टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्थात प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के कवि कौन थे। ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला भी कहते हैं, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद या डी रामधारी सिंह दिनकर। द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू इकोनॉमिक मेनेस टू इंडिया, अर्थात पुस्तक द न्यू इकोनॉमिक मेनेस टू इंडिया के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए अरबिंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी बिपिन चंद्र पाल या डी बाल गंगाधर तिलक। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वाज आल्सो नोन एज आंध्र केसरी। ऑप्शंस है ए तंगुतुरी प्रकाशम, बी पोट्टी श्रीरामलु,
सी नीलम संजीव रेड्डी या डी कंदुकुरी वीरसलिंगम। और आज का छठा और लास्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो नोन एज नाजीवंथा यात्रा, अर्थात किसकी आत्मकथा को नाजीवंथा यात्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है ए अल्लूरी सीताराम राजू, बी सी राजगोपालाचारी, सी पोटी श्रीरामलु या डी तंगुतुरी प्रकाशम। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एंड विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ।